पूरी दुनिया में खेती किसानी को सबसे मेहनती काम माना जाता है। किसान दिन रात काम करके हमारे लिए अन्न पैदा करता है। लगातार मेहनत के बीच किसान अपना ख्याल रखना भूल जाता है, लेकिन अपनी फसल का पूरा ख्याल रखता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद उस पर पानी फिर जाए तो किसान से ज्यादा दर्द इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोरा गांव में किसानी कर रहे एक किसान की पूरी फसल सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई कि उसकी खेत में खड़ी फसल में पानी घुस गया, जिससे खेत बोए लाखों की फसल बर्बाद हो गई। दरअसल बांध टूटने से नहर का पानी खेतों में आ गया और पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। इससे आक्रोशित किसानों ने आरा मोहनिया मुख्य मार्ग पर कोरा गांव के पास जाम लगा दिया और किसान सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय किसानों का कहना है कि 20 सालों से नहर में पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब अचानक पानी के आने से 500 बीघा में लगी रवी फसल, जिसमें गेहूं एवं चना जैसे कई फसल बोए गए थे, वो सब बर्बाद हो गई। और जो नहर बंद हो और जिन किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उसको मुआवजा मिले। कितनों किसानों के खेतों में पानी घुसा है? अब सर 500 बीघा है, अब उसमें जोड़ लीजिए कितना लोग का होगा। छोटा छोटा किसान है, लोग बहुत सारा किसान है, किसी का 5 बीघा है, 2 बीघा है, 1 बीघा, 8 कांठा वाला भी है। अब 8 कांठा वाला का तो सब खत्म हो गया सर, अभी बताओ। और उसको वो कहाँ जाएगा बेचारा गरीब, वो क्या करेगा? किसी का सब डूब गया है। किसी का तो एक बच्चा जो चना रोपा है बिल्कुल खत्म है, 2 बीघा में चना रोपा है वो, कि कुछ हो जाएगा वो, उसका खत्म हो गया। जो साहब तो अपना तेल लगा के सोए हुए हैं घर पे। वहीं सड़क जाम की सूचना मिलते ही जगदीशपुर SDPO श्याम किशोर रंजन घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। भोजपुर से राकेश की रिपोर्ट।